अगर आपको अपना खुद का फेसलेस चैनल बनाना है और वो भी यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप कंट्रीज की ऑडियंस के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश में वीडियोस बनानी पड़ेगी। वेल ऑब्वियसली ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से हो जाएगा और आपके चैनल पर यूएस से व्यूज आ जाएंगे? जी नहीं, इंग्लिश में वीडियोस बनाने के अलावा भी आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आखिर इन कंट्रीज की ऑडियंस को आपको टारगेट क्यों करना चाहिए? व्हाई? तो वही है, इसका सबसे बड़ा और मेन रीजन है आरपीएम, यानी कि पैसा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रीज में जहाँ टॉप से टॉप कैटेगरी पर 1000 व्यूज आपको मैक्सिमम $5 से $6 तक मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। वहीं अगर आपके व्यूज यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज से आते हैं तो पूरा गेम ही बदल जाता है, क्योंकि आपका आरपीएम हो जाता है ऑलमोस्ट 3 to 4 times मोर उस सेम कैटेगरी की वीडियो पर। मतलब पर 1000 व्यूज आप $15 से $20 तक भी इजिली ऑन एन एवरेज कमा सकते हैं, चाहे कितनी भी लो पेइंग निश या कैटेगरी हो। इसलिए ये हो जाता है एक फायदे का सौदा। और जितना पैसा आप शायद 5 लाख व्यूज पर एक वीडियो में कमा पाएंगे, यहाँ पर उससे 3 गुना ज्यादा पैसा आप कमा लेंगे सिर्फ 1 से 2 लाख व्यूज पर यूएस, कनाडा के चैनल पर। अब आप बोलेंगे कि अगर सब कुछ इतना ही आसान होता तो हर कोई ये कर लेता ना, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इसकी आधी इन्फॉर्मेशन ही होती है ना बंधु, इसलिए हर कोई ये कर भी नहीं सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं बिफोर स्टार्टिंग अ यूएस बेस्ड फेसलेस चैनल, और साथ ही साथ मैं आपको 1, 2, 5 बल्कि 10 फेसलेस चैनल आइडियाज फॉर यूएस ऑडियंस के बारे में भी बताऊंगा जो बिल्कुल नए हैं। और अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी आप चूज करके अपना चैनल क्रिएट करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये कि आपको अपने दिमाग को बनाना पड़ेगा अमेरिकन। हैं, ये क्या बात है? बेसिकली आपको अपनी सोच इंडिया या पाकिस्तान के हिसाब से नहीं बल्कि एक यूएस के इंसान की तरह रखनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो भाई, ये कैसे होगा? अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा। आप जो भी कैटेगरी पर वीडियोस बनाएंगे उस वीडियो में एग्जांपल्स आप चाहे किसी भी आदमी का दे रहे हो या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल का, वो ऐसा होना चाहिए जिसे यूएस में भी हर आदमी पहचानता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया पाकिस्तान में पॉपुलर यूट्यूबर्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे भुवन बाम, कैरी मिनाटी, टेक बर्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वहीं जब बात आएगी यूएस की तो हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मिस्टर बीस्ट का, मार्कस ब्राउनली का, अली अब्दाल का एंड सो ऑन। इससे आपकी यूएस की ऑडियंस को कॉन्टेंट रेलिवेंट लगेगा और वो आपकी वीडियोज के साथ इंगेज हो पाएंगे। तो आई होप कि आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको उन चीजों पर कंटेंट बनाना है जो यूएसए में ट्रेंडिंग में है या फिर जिसके बारे में लोग यूएस में सर्च कर रहे हैं। अब अगर आईपीएल के बारे में वीडियो बनाओगे या फिर कोई हिंदी मूवी का रिव्यू करोगे, भले ही इंग्लिश में ही बना लो वीडियो, क्या उसमें यूएस से व्यूज आएंगे? मोस्ट लाइकली नो। और अगर आ भी गए तो बहुत ही चिल्लर जैसे व्यूज आएंगे। तो आपको ट्रेंडिंग कंटेंट यूएस का कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपके पास 2 options है। नंबर 1 bing.com। जैसे इंडिया में गूगल सर्च काफी पॉपुलर है वैसे ही यूएस में बिंग यूज किया जाता है एज अ सर्च इंजन, और यहाँ पर आप ट्रेंडिंग चीजों के बारे में इजीली पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको bing.com पर आकर सबसे पहले यहाँ पर ये 3 lines पर क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पर कंट्री में सबसे पहले आपको यूएस सेलेक्ट कर लेना है एज यू कैन सी। और बस अब आपको ये यूएस में जो कुछ भी ट्रेंडिंग चीजें हैं, जो कुछ भी सर्च हो रहा है उसके बारे में ही न्यूज दिखाएगा, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हो, बिजनेस रिलेटेड या फिर कुछ और, सब कुछ यहाँ पर आप इजीली देख पाएंगे और आपको आइडिया मिल जाएगा लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग चीजों का। अब बिंग के अलावा आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो है गूगल ट्रेंड्स। आपको गूगल ट्रेंड्स पर भी जाकर किसी भी कंट्री से रिलेटेड ट्रेंडिंग सर्चेस, न्यूज, ये सब कुछ पता चल सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पर रेलेवेंट कंट्री सबसे पहले चूज कर लेनी है और बस फिर ट्रेंडिंग नाउ पर क्लिक करके आप सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स, उनकी सर्च वॉल्यूम्स इन रियल टाइम, ये सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी भी चूज करके उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। सो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, बिंग एंड गूगल ट्रेंड्स, आप ये दोनों ही यूज कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह आपको ट्रेंडिंग न्यूज और टॉपिक्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत भी रोज रोज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको 10 बेस्ट फेसलेस निश के बारे में बताने वाला हूं जो सदाबहार है यूएस ऑडियंस के लिए, काफी ट्रेंडिंग भी है और ट्रस्ट मी इनमें से बहुत सारी कैटेगरीज तो आपके लिए बिल्कुल नई होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहली फेसलेस कैटेगरी आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है एआई रिलेटेड न्यूज चैनल। आप सबको पता है एआई की दुनिया कितनी तेजी से इवॉल्व हो रही है और चैट जीपीटी के आने के बाद से जैसे आग ही लग गई है। हर दिन ऑलमोस्ट नए नए एआई टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में लोगों को अपडेट रखने के लिए भी आप इससे रिलेटेड न्यूज चैनल एआई के बारे में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कंटेंट आपको मोस्टली स्टॉक फुटेज से और कंपनीज के ऑफिशियल साइट से, उनके यूट्यूब चैनल से, न्यूज आर्टिकल से मिल जाएगा। तो बहुत ही इजिली आप ऐसा चैनल क्रिएट कर सकते हैं और इस कैटेगरी में आरपीएम भी आपको काफी अच्छा मिलेगा, तो आप पैसा भी अच्छा खासा बना सकते हैं।
अभी मैं आपको इन सारे चैनल्स के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर किसी भी कैटेगरी पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि वो एक्चुअल वीडियो कैसे बनेगी, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो उस नीच के ऊपर लेके आ जाऊंगा अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे तो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेसलेस कैटेगरी है नंबर टू, वो है स्पोर्ट्स। बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है स्पोर्ट्स न्यूज एंड हैपनिंग्स, लेकिन स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट मत समझ ले। यूएस में मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है NBA, जिसका बहुत ही ज्यादा क्रेज है, तो इससे रिलेटेड हर न्यूज, प्लेयर्स की न्यूज, प्लेयर्स के बारे में न्यूज, ये सारी चीजों के बारे में वीडियोस देखी जाती है, जैसा कि आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अब अगर आपको NBA या स्पोर्ट के बारे में नॉलेज ना भी हो तो कोई बात नहीं, AI की मदद से आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और ये भी एक हाई RPM वाली कैटेगरी है, तो पैसा तो बनेगा ही बनेगा इस कैटेगरी पर भी। और अगर आपको एक्चुअल में जानना है कि इस कैटेगरी की वीडियो कैसे बनेगी, तो आप कॉमेंट कर देना स्पोर्ट्स चैनल USA और मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊँ। नंबर 3 ऑन दिस लिस्ट इज मेंटल हेल्थ। अब इस टॉपिक को इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में उतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन US और कनाडा और बाकी डेवलप कंट्रीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके बारे में लोग काफी अवेयर भी हैं और इससे रिलेटेड कंटेंट भी देखते हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इन सारी चीजों से रिलेटेड वीडियोस बहुत चलती है, और ये चैनल्स को देखकर आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस टाइप की वीडियोस को भी बनाना बहुत ही आसान है, AI की मदद से आप इजीली इसे क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर इस पर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना मेंटल हेल्थ चैनल। लेट्स मूव टू नंबर 4 नाउ, और ये एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है US में भी और इवन इंडिया में भी, जो है क्विज एंड रिडल्स। जी हाँ, आप इस चैनल की पॉपुलैरिटी और सब्सक्राइबर देख सकते हैं, सिर्फ 51 वीडियोस से इस चैनल ने ऑलमोस्ट 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, और इस चैनल पर मोस्टली आपको इमोजी क्विज, रिडल क्विज, ये सभी देखने को मिलेगा। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कैनवा बल्क क्रिएट वाली, वो देखकर आप ऐसा चैनल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ऐसे और भी रिडल्स एंड क्विज वाले पॉपुलर चैनल्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिनके मिलियंस एंड थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स हैं, एज यू कैन सी। अब बात करते हैं नंबर 5 की, जो है हिस्ट्री वाले चैनल, जो हिस्ट्री में हुई चीजों पर वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि ये चैनल जिनके मोर देन 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और इनके चैनल पर आपको मोस्टली हिस्ट्री रिलेटेड फैक्ट्स एंड वीडियोस देखने को मिलेगी, जैसे हिस्ट्री में कोई भी चीज क्यों हुई, कब हुई, उसके पीछे क्या रीजन था, उससे रिलेटेड सारी जानकारी, ये मोस्टली आपको लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में इस चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स में भी ऐसा चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि इस चैनल पर आपको सिर्फ हिस्ट्री रिलेटेड शॉर्ट कॉन्टेंट ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये सारा कंटेंट भी AI की मदद से ही बनाया गया है। AI इमेजेस जनरेट करके वॉइस ओवर ऐड कर लिया गया है और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके इट्स डन। मैंने इसके ऊपर भी एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है हिस्ट्री चैनल के ऊपर, तो उस वीडियो का लिंक आपको बराई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो यू कैन वॉच दैट। चलिए अब बात करते हैं 6 कैटेगरी की, जो है हेल्थ एंड फिटनेस नीश। ये भी एक बहुत ही फेमस कैटेगरी है और इस चैनल को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा, आजकल हर किसी को एक्टिव रहना, फिजिकली एक्टिव रहना और फिट रहना पसंद है, और इस चैनल पर मोस्टली आपको हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स, वर्कआउट्स, ये सभी देखने को मिलेगा, और इनकी वीडियो पर व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं। मैंने हेल्थ एंड फिटनेस चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बनाई है, उसका लिंक आपको प्राइवेट बटन में मिल जाएगा, तो यू कैन रेफर टू इट। अब इसी निश से रिलेटेड एक और कैटेगरी है, जो है नंबर 7, वो है होम रेमेडीज। जी हाँ, और ये भी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है लोगों के बीच में, आप इस चैनल के नंबर को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, और इस चैनल पर आपको वेट लॉस रेसिपीज, स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड होम रेमेडीज, पेन रिलीफ होम रेमेडीज, ये सब कुछ घरेलू उपाय वाली वीडियोस देखने को मिलेगी। और आजकल जहाँ इतने हार्मफुल केमिकल्स वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, तो लोगों का होम रेमेडीज की तरफ भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा, और इन वीडियोस को बनाना भी बहुत ही आसान है। आप चाहे तो खुद की वीडियोस ही घर पर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर स्टॉक फुटेजेस को भी यूज करके आप ऐसी वीडियोस बना सकते हैं और थोड़ा बहुत वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट 2 कैटेगरीज है नंबर 8 और 9, वो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, लेकिन बहुत ही पावरफुल और सुपर हाई RPM वाली कैटेगरी है, मतलब पैसा ही पैसा, और इस कैटेगरी का नाम है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। इस कैटेगरी की पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट हर कंट्री में इक्वली है, क्योंकि हर आदमी अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहता है और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, रिटायरमेंट प्लानिंग हो सके, इसलिए इससे रिलेटेड चैनल्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। और मैंने ऑलरेडी फेसलेस फाइनेंस चैनल वाली वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्रिएट करना भी दिखाया है कि वीडियोस कैसे बनानी है, कंटेंट कैसे ढूंढना है, सो डू वॉच दैट वीडियो। और जैसा कि मैंने बोला हाई RPM की कैटेगरी है, तो कम यूज पर भी आप इस कैटेगरी में बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। चलिए तो अब लास्ट कैटेगरी में मूव करने से पहले, अगर आपको ऐसा एनिमेटेड ट्रैवल मैप बनाना भी सीखना है, वो भी सिर्फ कैनवा को यूज करके, तो कमेंट कर देना ट्रैवल मैप वीडियो। या फिर अगर आप अमेजिंग ड्रोन शॉट्स वाली ऐसी वीडियोस बनाना चाहते हो बिना कोई भी एक्सपेंसिव ड्रोन खरीदे 100% फ्री मेथड से, तो भी कमेंट कर देना ड्रोन शॉट वीडियो।
अब बात करते हैं लास्ट फेसलेस कैटेगरी की, जो है लग्जरी। इस कैटेगरी का नाम जैसा साउंड करता है बिल्कुल वैसी ही है, बहुत ही ज्यादा लैविश और लग्जरी लाइफस्टाइल पर फोकस करती है। फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज का लाइफस्टाइल हो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का, या फिर इवन पाब्लो एस्कोबार टाइप के लोगों का, ये लोग कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कौन कौन सी एक्सपेंसिव चीजें ओन करते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कितने बड़े घर में रहते हैं, ये सब कुछ आपको इन वीडियोस में देखने को मिलेगा, इन सेलिब्रिटीज से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। और ये कैटेगरी भी सुपर हाई आरपीएम वाली कैटेगरी में आती है, और आप ये मान सकते हैं कि इस कैटेगरी में आप पर 1000 व्यूज $30 तक बना सकते हैं इफ यू गेट व्यूज फ्रॉम यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज से। बहुत ही प्रॉफिटेबल निश है ये भी, और इन वीडियोस को भी आप इजीली स्टॉक फुटेज से और बाकी पब्लिक डोमेन वाली इमेजेस और वीडियोस को यूज करके बना सकते हैं। अगर इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना लग्जरी लाइफस्टाइल वीडियो और मैं लेके आ जाऊं। तो ये थे सारे 10 फेसलेस चैनल आइडियाज स्पेशली फॉर यूएसए ऑडियंस। और जब आप चैनल क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको एसईओ कैसे करना है, चैनल की सेटिंग्स कैसे करनी है जिससे कि आपकी वीडियो उस पर्टिकुलर कंट्री में रैंक हो पाए, अगर ये सारी चीजें भी जाननी है तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप कमेंट कर सकते हो और मैं लेके आ जाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।